नाजरीन आदाब, आरएफ न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल है। एसओटी मेडचल टीम और मेडचल पुलिस ने कुंडलकोया टीचर्स कॉलोनी में फ्लाइट नंबर 12 पर छापा मारा और वहां से नवजीवड़ो सीड कंपनी के लिए काम करने वाले एक बीज साइंसदान के जरिए चलाए जाने वाले एक पेशावर गेमिंग अड्डा चला रहा था, वहां से 14 अफराद को गिरफ्तार कर लिया और वहां से 53,510 रुपये जब्त कर लिए। इसके अलावा 13 मोबाइल फोन, ताश के 36 सेट और जुए के प्लास्टिक के सिक्के जब्त कर लिए। तहकीकात के दौरान पता चला कि पी राजेश, जो कि नुजीवेडु सीड्स कंपनी में सीनियर असिस्टेंट के तौर पर काम करता था, गुज़श्ता 3 सालों से अड्डे बदलकर और बड़े पैमाने पर गैर कानूनी पेशावराना जुए का अड्डा चलाकर गैर कानूनी तरीके से कम वक्त में ज्यादा कमाने की आदत बना रखा था। जुए में मुलविस हर शख्स से एक दिन का 20,000 रुपये एडवांस लेता और इसके बजाय जुए के प्लास्टिक के सिक्के देता था। वो गुज़श्ता 3 सालों से बाकायदगी से ये गेमिंग जोन चला रहा था। गिरफ्तार मुलजमीन की शनाख्त पी राजेश 40 साल, तोटा श्रीनिवास 58 साल, युवापति वासुबाबू 39 साल, टी वेंकटराव 46 साल, ए प्रसन्ना शंकर 40 साल, कुंडा बाला राजू 42 साल, तोकाटी शंकर 41 साल, बद्री राजू 36 साल, एम माधव रेड्डी 57 साल, पी यादगिरी 58 साल, पी रमना कुमार 39 साल, हेमंत रायडू 39 साल, पांडुरंगा 38 साल, के राजू 53 साल, पवन कुमार 36 साल की हैसियत से इनकी शनाख्त की गई है, जबकि राजेंद्र मफरूर बताया गया है। इन तमाम की गिरफ्तारी अमल में लाते हुए मजीद तहकीकात का आगाज कर दिया। Thank you.